ये जगह बहुत कमाल की है। जमीन से नीचे ममीज से भरे 2000 साल पुराने एक मकबरे को मकबरों के लुटेरों ने बर्बाद कर दिया है। इस तरह की बरियल शाफ्ट मिल जाए तो रेगिस्तान में हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट छानबीन करके जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। ठीक है, हो गया। ये तो कमाल का है। ये ममी आम ममी जैसी नहीं लग रही है। हमें फौरन इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये हैं प्राचीन इजिप्ट के महान पिरामिड्स। प्राचीन जगत के सबसे ताकतवर राजाओं और रानियों के मकबरों और उनके साथ दफनाई गई बेपनाह दौलत की हिफाजत के लिए इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था। लेकिन जब से इन्हें इस रेगिस्तान में बनाया गया, ये निशाना बने हैं टूम्ब रेडर्स यानी मकबरे के लुटेरों का। मकबरे बनाने वालों और लूटने वालों के बीच का संघर्ष हजारों साल से चलता आया है। अब पूरे इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट्स टूम्ब रेडिंग की शुरुआत से जुड़े राज सुलझाने में लगे हैं। मरने वालों की हिफाजत के लिए कैसे पिरामिड और मकबरे बेहतर बने और कैसे नई टेक्नोलॉजी उन खंडहरों से अहम जानकारी पा सकती है जिन्हें इन प्राचीन लुटेरों ने अपने पीछे छोड़ा। सकारा में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन वार्ड इजिप्ट के सबसे पहले बने पिरामिड जूसर के ग्रेट स्टेप पिरामिड में आए हैं। इसे आप इंसान का पहला बनाया स्काईस्क्रेपर कह सकते हैं। क्या बनाया है? जॉन और उनकी पत्नी आर्कियोलॉजिस्ट मरिया नीलसन पिछले 14 सालों से नील नदी के किनारे मौजूद इन पिरामिड्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज जॉन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सबसे पहले पिरामिड को बनाने वालों ने किस तरह कीमती चीजों को लुटेरों से बचाने की कोशिश की। लुटेरों को इस इलाके में बना ये विशाल स्ट्रक्चर बहुत दूर से ही नजर आ जाता होगा। बहुत ही बड़ा है। मकबरों के लुटेरे प्राचीन इजिप्ट के लिए अभिशाप थे। इजिप्ट के लोगों को बेशकीमती चीजों के साथ दफनाया जाता था। अमीर लोग अपनी कब्र में काफी मूल्यवान चीजें रखवाते थे। डकैतों के लिए ये एक आकर्षण था और पिरामिड बनाने वाले ये बात जानते थे। हजारों टन वजनी चूना पत्थर के नीचे 27 मीटर लंबी एक शाफ्ट दफनगाह तक पहुंचती है। यहां फैरो की एक ममी को ग्रेनाइट के एक विशाल सरकोफगस के अंदर रखा गया था। यहां जमीन के नीचे करीब 6 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जो चढ़ावे से भरी हुई हैं और दफनगाह की हिफाजत करती हैं ताकि फैरो की बॉडी और बेशकीमती सामान को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। हैरानी की बात यह है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है उसे जो पिरामिड हमारे ऊपर रेगिस्तान में बना है, पर असली उपलब्धि तो ये भूल भुलैया है। ये सुरंगें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ कई नकली दरवाजे और डेड एंड्स हैं। इसको बनाने वालों ने लुटेरों को भ्रम में डालने और रोकने के लिए इन्हें बनाया था। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और मुझे दिशा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर लुटेरे इस भूल भुलैया से आगे निकल पाते तो उन्हें दफनगाह में मौजूद खजाने तक पहुँचने के लिए उसमें दाखिल होना होता। इजिप्ट के प्राचीन लोगों का मानना था कि वो जेवरात और फर्नीचर जैसी ऐशो आराम की चीजों को अपने साथ अगले जन्म के लिए ले जा सकते थे, तो इन जगहों की हिफाजत के लिए बिल्डर्स ने चेंबर में दाखिल होने वाली जगहों को ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों से बंद कर दिया। जिस तरह से मैं इस भूल भुलैया में गुम हो गया हूँ, वैसे ही उन लुटेरों का सामना भी इन बड़े बड़े लाल पत्थरों से हुआ करता होगा। और इनके पीछे लिविंग गॉड, मेरा मतलब फैरो का असली सार्कोफेगस यहाँ पर छिपा रहता होगा। इस पूरे पिरामिड को चोरों को रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन इजिप्ट के बाकी पिरामिड्स की तरह ये भी आज खाली है क्योंकि लुटेरों ने अंदर घुसने का तरीका ढूंढ लिया। ये पिरामिड्स फैरो और उसकी दौलत को बचाने के बुनियादी काम में नाकाम रहे, जिसके सबूत यहां पर हर तरफ हैं।
जब लुटेरे मकबरों में घुसते थे तो वो आसानी से ले जाई जा सकने वाली जवाहरातों और सोने जैसी बेशकीमती चीजें ढूंढते थे। ये सीधे ममीज की तरफ पढ़ते थे क्योंकि उनमें कीमती और पवित्र ताबीज होते थे जो पट्टियों के नीचे छुपे रहते थे। ये तो पिरामिड्स को कवर करने वाले कीमती सफेद चूना पत्थर को भी चुरा लेते थे अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। लेकिन इजिप्ट के पुराने लोग मकबरे को लूटने वालों को कड़ी सजा देते थे। पकड़े जाने पर उन्हें एक विशाल भाले पर आम लोगों के बीच लटका दिया जाता था। लेकिन इतने खतरों के बावजूद लुटेरों ने पिरामिड समेत प्राचीन इजिप्ट की लगभग सभी खास दफनगाहों को लूटा। ये लुटेरे इतने सुरक्षित मकबरों में कैसे घुस जाते थे, ये जानने के लिए जॉन प्राचीन इजिप्ट में हुई एक बहुत ही जबरदस्त डकैती वाली जगह पर जा रहे हैं जिसे हजारों साल से बखूबी प्रिजर्व करके रखा गया है। लक्सौर के डीए अल बाखरी में वैली ऑफ द किंग्स की चट्टानों के पीछे इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट फैथी यासीन और 70 लोगों की उनकी टीम एक ऐसे विशाल मकबरे की खुदाई कर रहे हैं जिसे ग्रेट पिरामिड्स के करीब 1500 साल बाद बनाया गया था। फैथी तभी से एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना देखते थे जब वो एक स्कूल ट्रिप पर पास ही मौजूद लक्सौर आए थे। वो यहाँ पिछले 30 साल से काम करते रहे हैं। ये मकबरा एक शानदार कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था। इसका एक सजावटी अहाता था जो इसमें दफन लोगों के ऊंचे रुतबे को जताता था। लेकिन ग्रेट पिरामिड्स की तरह ही इस सजावटी साइट की तरफ भी लुटेरे खींचे चले आते थे। यहाँ बहुत सी हड्डियां, ममीफाइड अवशेष और बर्तनों के टुकड़े मौजूद हैं। इनके बारे में जानना मुश्किल होगा क्योंकि हम काफी इन्फॉर्मेशन गंवा चुके हैं। फैथी जानना चाहते हैं कि इस मकबरे को इतनी बुरी तरह से क्यों डिस्टर्ब किया गया। हैरत की बात तो यह है कि प्राचीन इजिप्ट में लुटेरे सिर्फ धन दौलत के पीछे ही नहीं होते थे। मकबरा भी उनके लिए कीमती था जिसका इस्तेमाल बाद के रईस और उनके परिवार दोबारा कर लेते थे। तो क्या ये नुकसान बेशकीमती चीजें ढूंढ रहे लुटेरों ने पहुंचाया है या फिर किसी और के लिए इस मकबरे को खाली किया गया था? ये जानने के लिए फैती इस मकबरे के मूल मालिक की तलाश कर रहे हैं। हमें यहाँ खुदाई का काम धीरे करना होगा, अपना वक्त लेकर और अपनी उम्मीद बनाए रखनी होगी। इनकी टीम इस मकबरे की दफनगाह तक का रास्ता साफ कर रही है जहाँ उन्हें इस मकबरे के मालिक की बॉडी मिलने की उम्मीद है। मालिक जो भी था काफी रईस। ये मकबरा हेटशेपसुट के विशाल टेंपल के नजदीक मौजूद एक खास जगह पर है। इसके शानदार प्रवेश द्वार और विशाल आहाते को मरने वालों के खास फेस्टिवल के दौरान लोगों को इंप्रेस करने के लिए बनाया गया था। इस मकबरे के हॉलवे की पश्चिमी दीवार पर एक नकली दरवाजा है। प्राचीन इजिप्शियंस का मानना था कि ये मकबरे के मालिक की रूह के लिए एक द्वार का रोल निभाता था। बड़े बड़े जश्नों के दौरान प्राचीन इजिप्शियंस चढ़ावे के तौर पर खाने पीने की चीजें और फूल लाते थे। इनका मानना था कि रूहें इन्हें अगले जन्म में ले जा सकती हैं। इन जश्नों में हिस्सा लेने वाले तो रात में यहाँ रुककर सपनों में अपने पूर्वजों की रूहों से बातें भी करते थे। लेकिन ये मकबरे सिर्फ लुटेरों के नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक टारगेट बन गए जो इन्हें अपने लिए चाहते थे। कई हफ्ते के काम के बाद फैती की टीम इस मकबरे के बीच मौजूद दफनगाह तक का रास्ता साफ कर चुकी है। फैती अब पहली बार इसमें दाखिल होकर ये देख सकते हैं कि इसके मूल मालिक की बॉडी अब भी अंदर है या नहीं। वाह, वाह, ये तो बहुत बड़ा मकबरा है। अरे बाप रे। बाकी मकबरे की तरह दफनगाह के फर्श पर भी मलबा फैला हुआ है जो जताता है कि पुराने दौर के लुटेरों ने इस कमरे को भी काफी पहले ही लूट लिया था। उस वक्त के आखिरी पड़ाव में लुटेरों ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया क्योंकि ये वैसी नहीं है जैसे हुआ करती थी। लेकिन ये साफ नहीं है कि इस मकबरे को कब और क्यों डिस्टर्ब किया गया। क्या लुटेरे खजाना ढूंढ रहे थे या फिर किसी ने इसके मूल मालिक की बॉडी को निकालकर
उसकी जगह कोई नई ममी रख दी थी। उस वक्त लुटेरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इस दफनगाह में ममी नहीं है, मकबरे के मूल मालिक को या तो यहां से निकाल दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहां हुआ क्या था। लेकिन मुख्य चेंबर में फैती के हेड टेक्नीशियन सईद ने खोज की है। उन्हें यहां एक अनछुई सी लगती ममी मिली है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें यहाँ एक खूबसूरत ममी मिली है। पहली नजर में ये काफी अच्छी हालत में लग रही है। कायरो के दक्षिण में रेगिस्तान में मौजूद है एक प्राचीन शहर फिलाडेल्फिया। चलिए चलते हैं फिर। आइए, आ जाइए। इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट बासिम के हाथ कई सालों से यहाँ रेगिस्तान में दबे एक पुराने कब्रिस्तान को खोजने में लगे हैं। आज ये अपनी टीम के साथ एक ऐसे मकबरे की तरफ जा रहे हैं जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के आखिरी बरसों से जुड़ा है। इसे पहले पिरामिड के करीब 2500 साल बाद बनाया गया था और इसे बनाते वक्त एक बात खास कर ध्यान रखी गई थी, लुटेरों को घुसने से रोकना। इसे बनाने वालों ने अपने से पहले वालों की गलतियों से सीखा है। उन्होंने इस मकबरे की लोकेशन को जताने वाले कोई पिरामिड या टेम्पल नहीं छोड़े और इसे रेगिस्तान में 10 मीटर गहरी एक मुश्किल शाफ्ट की तली में छुपा दिया। इस दफनगाह को इतनी गहरी बनाने और पहाड़ के पीछे छुपाने के पीछे एक मकसद था कि इसे लुटेरों से बचाया जाए और आफ्टर लाइफ के लिए सिक्योर कर दिया जाए। हम इस बात को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं कि आखिर इसके अंदर हो क्या सकता है। लेकिन मकबरे बनाने वाले कितने कामयाब रहे, क्या वो लुटेरों को इसमें घुसने से रोक पाए? बासिम को नीचे जाकर इस बारे में छानबीन करनी होगी। इस काम को करने के लिए आ जाओ। टीम को हाथ से चलने वाली 199 किलो वजनी विंच को इस टीले तक पहुंचाकर शाफ्ट के ऊपर लगाना होगा। आ जाओ हमदी, इस फ्रेम के बोल्ट्स को कस दो, सेफ्टी जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है ये। विंच को उसकी जगह पर लगाया जा चुका है। आराम से। और बासिम नीचे जाने को तैयार हैं। संभाल कर, आराम से, धीरे धीरे, लकड़ी से सर ना टकराए। आराम से, धीरे धीरे, रस्सी छोड़ते जाओ, ध्यान से, ठीक है, बिस्मिल्लाह, ऐसे ही करो, आराम से, ठीक है। इस काम में डर भी लगता है और ये खतरनाक भी है। अगर विंच नाकाम हुई तो इनकी जान भी जा सकती है। बहुत बढ़िया। बस ठीक है, रस्सी छोड़ते जाओ। नीचे तली में पहुंचने पर इन्हें एक बहुत ही कमाल का नजारा दिखता है। यकीन नहीं होता, यहां दर्जनों ममीज हैं। नौ मीटर की गहराई पर पहुंचने पर बासिम इस छिपे हुए मकबरे का जायजा लेना शुरू करते हैं। क्या यहाँ इसके मूल निवासी अब भी मौजूद हैं या लुटेरों ने उन्हें लूट लिया? ये जगह बहुत ही कमाल की लग रही है। यहाँ मुझे एक कंप्लीट ममी दिख रही है और इस कमरे के आखिर में भी मुझे एक पूरी ममी नजर आ रही है। ये एक विशाल कॉम्प्लेक्स है। यह 28 वर्ग मीटर में फैला है। इससे साबित होता है कि यह मकबरा किसी खास शख्स का था। यहां अंदर इसे बनाने वालों ने चट्टानों में 3 दफनगाहें खोदी और इनमें मौजूद हैं बहुत अच्छे से लिपटी हुई 80 ममीज। रेगिस्तान में इस तरह की दफनगाहें मिलने से हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। बासिम इस मकबरे में कदम रखने वाले पहले इंसान नहीं है।
साफ जाहिर है इसे पहले भी लूटा जा चुका है और इसकी ज्यादातर चीजें बर्बाद कर दी गई हैं। लुटेरे यहां पर पहले ही आ चुके हैं और यहां पर छोड़ी गई कीमती चीजें वो पहले ही लूट चुके हैं। यहां पर कुछ भी नहीं बचा। प्राचीन इजिप्शियंस के मरने पर उनके रिश्तेदार उनके मकबरों में खाने पीने की और रोजमर्रा की चीजें रख देते थे। पैसे वालों की निजी चीजें ज्यादातर शानो शौकत वाली होती थी, जैसे हथियार, सुनहरा फर्नीचर, यहां तक कि रथ भी। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि वो कब्र में मौजूद चीजों को अगले जन्म में अपनी हिफाजत और जिंदा रहने के लिए साथ ले जा सकते हैं। लेकिन इन खास लोगों के मकबरों में मौजूद कीमती चीजें चोरों के लिए कमाई का बढ़िया जरिया साबित होती थी। बासम का काम अब यह देखना है कि लुटेरों ने पीछे क्या छोड़ा है। वो एक गिल्डेड मास्क के अलावा सारे मास्क ले गए हैं और एक मास्क के टुकड़े यहां चमक रहे हैं। ये इस बात की कमाल की मिसाल है कि उस दौर में आर्ट कितनी लाजवाब थी। मिसाल सामने है। मास्क से साबित होता है कि इस मलबे में खोजने के लिए काफी कुछ है जिसे ये लुटेरे अपने पीछे छोड़ गए हैं। बासम को अब इस मकबरे में सुराग ढूंढने होंगे जिनसे पता चले कि इसे कैसे और कब लूटा गया था। ये किसी क्राइम सीन पर काम करने जैसा है। आपको बहुत बारीकी से सारे सबूत और सुराग इकट्ठे करने होते हैं और उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है। इधर लक्सौर की डीएल बाहरी में फैटी लूटे हुए इस मकबरे के मूल मालिक की तलाश कर रहे हैं। उनकी टीम को प्रमुख प्रवेश द्वार के नजदीक एक शानदार ममी मिली है। ये हमारी साइट पर मिली अब तक की सबसे अच्छी ममी है। ये एकदम पूरी है। इसका सिर, हाथ, बॉडी, पैर आप सब देख सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने के अपने 3 दशकों के दौरान फैटी को जो सबसे सही सलामत चीज मिली है ये उनमें से एक है। वाह, पूरी ममी। हाँ, पूरी है। बहुत ही बढ़िया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये ममी तो देखने में पूरी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ क्यों है, यहाँ पर क्यों है ये? ममी का हॉलवे में होना ही अपने आप में एक रहस्य है। अगर ये इस मकबरे के मालिक हैं, तो इन्हें दफनगाह में दफनाया जाना चाहिए था। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये ममी यहाँ क्यों है। देखा जाए तो ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसे लुटेरे यहाँ लाए हों और इसे दफन करने के बाद इस टूम के मालिक के बाद किसी ने इस टूम का इस्तेमाल किया। अगर ये ममी इस मकबरे के असली मालिक की है तो ये एक सुराग हो सकता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। क्या इस मकबरे का इस्तेमाल लुटेरों ने या बाद के रईसों ने किया? इस बारे में और जानने के लिए फैटी को ममी पर और टेस्ट करने होंगे। तो हो सकता है इससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिले कि ये जो मकबरा है ये इसके असली मालिक का है या उसके बाद आए किसी शख्स का। लेकिन पहले इन्हें मकबरे से ममी को निकालना होगा। ये प्रोसीजर बहुत नाजुक है। ये ममी हजारों साल पुरानी है और अपनी जगह से हटाए जाने पर टुकड़े टुकड़े हो सकती है। क्या ये पुराने अवशेष बता पाएंगे कि यहाँ क्या हुआ था? ये ममी क्या इस मकबरे के मूल मालिक की है या किसी घुसपैठिए की? मेडम पिरामिड के नजदीक ही जॉन पुरानी दुनिया की एक जबरदस्त डकैती की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मकबरे के लुटेरे किस तरह प्राचीन इजिप्ट के सबसे सुरक्षित मकबरों में से एक के अंदर घुस पाए। ये मॉन्यूमेंट वाकई कमाल का है। ये कमाल का स्ट्रक्चर जैसे
रेगिस्तानी जमीन से ऊपर को उठता महसूस होता है। 91x45 मीटर आकार वाले इस विशाल टीले को कहा जाता है मस्तबा। इस तरह के मकबरे पिरामिड से भी पहले बनाए जाते थे। इसका नाम है मस्तबा 17 और ये पूरे इजिप्ट के सबसे बड़े और सबसे इंप्रेसिव मकबरों में से एक है। पिरामिड्स में तो दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए सुरंगों का एक पेचीदा नेटवर्क होता था, लेकिन मस्तबा पूरी तरह से सील्ड होते थे। पूरा बन जाने के बाद इसमें कोई नहीं जा सकता था। ये अंदर दफन होने वाले के लिए हमेशा हमेशा का घर होता था। मस्तबा के बीच एक पत्थर से बने ताबूत के अंदर एक लौती बॉडी थी, जिसे सिक्योर किया गया था 3 टन वजनी एक ढक्कन से, और ये ताबूत था चूना पत्थर के एक ठोस चेंबर के अंदर। इसकी इकलौती एंट्रेंस को सील कर दिया गया था चूना पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक से, और ये चेंबर भी जमीन में करीब 9 मीटर की गहराई पर एक कुदरती आले में मौजूद था। और सबसे ऊपर ईंटों और मलबे से बने एक स्ट्रक्चर से इस चेंबर और आले को कवर कर दिया गया था। ना अंदर जाने का रास्ता बचा और ना ही बाहर आने का। अंदर दफन शख्स और सतह के बीच में 30 मीटर मोटाई की चट्टान मौजूद थी। ये मरने वाले के लिए कई लेयर वाले एक किले की तरह है, जो हिफाजत करता है उस ताबूत के अंदर मौजूद एक शख्स की, जो है मेन चैम्बर के अंदर। लेकिन ये बचाव भी लुटेरों को दूर नहीं रख पाया। दक्षिणी दिशा में जॉन को दीवारों में हाथ से बनाई एक सुरंग दिखाई दी, जिसे लुटेरों ने तराशा था। वाह, ये देखिए, इन लोगों ने ना सिर्फ इसके बाहरी हिस्से की ईंटों वाली दीवार को काटा है, बल्कि इन्होंने तो मस्तबा के नीचे सुरंग भी बनाई है। लुटेरों ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? ये समझने के लिए जॉन को उनकी सुरंग में दाखिल होने के लिए खास परमिशन दी गई है। सच कहूं तो मुझे ऐसी अंधेरी सुरंगों में जाने का कोई शौक नहीं है। ओह, वाह। प्राचीन फिलाडेल्फिया के कब्रिस्तान में बासिम एक छिपे हुए मकबरे की खोजबीन कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इन दफनगाहों को किसने लूटा और कब। उन्हें पहले ही ऐसी ममीज मिल चुकी हैं जो छेड़ी गई लगती हैं, और उन्हें एक सही सलामत बरियल मास्क भी मिला है। मलबे में कुछ और सबूत भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें लुटेरों के बारे में कोई सुराग मिल जाए, ताकि पता चल सके कि किसने इस कमरे में ये लूटमार की है और कब की है। बासम को इस चेंबर की बहुत ही तफसील से जांच करनी होगी। अक्सर ऐसे काम में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन इनकी टीम के पास ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो ज्यादातर आज किसी क्राइम सीन पर ही नजर आती है। ये आर्कियोलॉजिकल फील्ड में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे उन्नत तकनीक है। मैं अब फौरन नतीजे देखना चाहता हूँ। बासम का लेजर स्कैनर चेंबर में घूम रहा है और एक कैमरा हर सेकंड में सैकड़ों इमेजेस रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि लेजर पूरी सटीकता से स्पेस को नाप रहा है। ये दोनों चीजें इस पूरे मकबरे का एक हाई रेजोल्यूशन मॉडल बना रही हैं, जिससे बासिम को आंख से भी न नजर आने वाली चीजें दिखाई देंगी। चलिए, हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब हमारे हाथों में इस कमरे की हर एक डिटेल मौजूद है। इन इमेजेस को एनालाइज करने के दौरान बासिम को कुछ अलग सा नजर आता है। इस स्कैन को देखने से मुझे कुछ दिलचस्प जानकारी मिल रही है। मुझे ये मम्मी नॉर्मल नहीं लग रही है, तो हम इसकी छानबीन करेंगे। इस मम्मी से इस मकबरे को लूटने के सिलसिले में और उस टाइम के बारे में और भी सुराग मिल सकता है। अहमद, लेकिन ठीक से जांच करने के लिए इन्हें पहले इसे यहाँ से निकालना होगा। चलो अहमद, हमें इस मम्मी को उठाना होगा। अहमद
असासिफ कब्रिस्तान में फैटी की टीम ने एक लुटे हुए मकबरे के मलबे में एक अनछुई ममी ढूंढ ली है। फैटी जानना चाहते हैं कि क्या ये ममी इस मकबरे की मूल मालिक की ही थी। इससे सुराग मिलेगा कि इस मकबरे को लूटा गया था या दोबारा इस्तेमाल किया गया था। तो उन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेसुस हर्रेरन की मदद ली है, जो अपने साथ एक बहुत ही उन्नत एक्सरे स्कैनर लाए हैं। इसके जरिए ये बता पाएंगे कि ममी पुरुष की है या स्त्री की, और ये कितनी मैनुअल लेबर करते थे। इन्हें ये ममी अभी से काफी ठीक लग रही है। 90% ममीज टूटी फूटी होती हैं इजिप्ट की। 90% सिर्फ 10% ही मिलती हैं ऐसी कंप्लीट, और ये है एक बड़ी खोज। एम्बामर्स ने इस ममी को बहुत ही सटीक तरीके से रैप किया था, यहाँ तक कि हर उंगली को भी अलग अलग रैप किया गया था। उंगलियां देखिए, हर एक को अलग अलग रैप किया गया है। हर उंगली अलग अलग करके लपेटी गई है। इस तरह की हाई क्वालिटी ममी मकबरे की मूल मालिक की ही हो सकती है, लेकिन इन्हें और सबूत चाहिए। हेसुस बहुत एहतियात से पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। बहुत अच्छी इमेज आ रही है, क्या बात है। इन्हें इस ममी की दर्जनों इमेजेस लेनी होंगी, जिनसे एक पूरी तस्वीर बनेगी और पता चलेगा कि पट्टियों में लिपटी ये बॉडी किसकी है। प्राचीन फिलाडेल्फिया के कब्रिस्तान में बासिम एक लुटे हुए मकबरे की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्हें एक अजीब सी दिखने वाली ममी मिली है, जिससे उन्हें शायद पता चले कि इस मकबरे को कब और कैसे लूटा गया था। लेकिन आगे की जांच पड़ताल के लिए उन्हें ममी को इसकी दफनगाह से बाहर निकालना होगा। इस तरह की जगह पर काम करना सेफ नहीं है जिसकी छत ऐसी हो, तो हम सोच रहे हैं कि इसे बाहर ले जाकर इसका मुआयना करें। अहमद, उसकी पैरों की तरफ से पकड़ो उसे। लुटेरों ने पहले ही ममी को डिस्टर्ब कर रखा है, जिससे ये और भी नाजुक हो गई है। नहीं नहीं नहीं, जरा सी गलती हुई नहीं कि ये बिखर जाएगी। बाहर की तरफ चलो, रुको। हाँ, अब आगे बढ़ो। मोहम्मद को अंदर आने दो, आने दो अंदर। मोहम्मद, तुम बीच वाले हिस्से को पकड़ो। हाँ, यहाँ पर बीच में पकड़ो। पकड़ लिया, चलो अब आगे बढ़ो। ले जाओ, आराम से, आराम से। अब क्योंकि इस ममी को दफनगाह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, तो बासिम इसे करीब से देख पाएंगे। ये देखिए, ये जो ममी है, ये बहुत ही अजीब ढंग से ऐठी हुई है। इसका चेहरा जमीन की तरफ है। हमने किसी ममी को पहली बार ऐसी पोजीशन में देखा है। बॉडी आमतौर पर ऐसी हालत में नहीं पाई जाती है, तो ये बहुत ही अजीब है। ऐसा लगता है कि ममी की गर्दन को आहिस्ता से ऐंठा गया है, ताकि इसके कीमती बरियल मांस को हटाया जा सके और ममी भी सही सलामत रहे। इससे बासिम को पता चला कि मकबरे को हाल ही में लूटा गया है। पुराने दौर में लूटे गए मकबरों की हालत ज्यादा खराब होती थी, और तब ममीज को जानबूझकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। इसे देख के लग रहा है कि शायद इसे 100 साल पहले के आसपास लूटा गया है। ये एक बड़ी खोज है। इसका मतलब है कि 300 ईसा पूर्व में बना ये छुपा हुआ मकबरा 2000 साल तक अपने मालिक को लुटेरों से बचाए रख पाया। लेकिन आज के आधुनिक दौर में आधुनिक इक्विपमेंट के साथ लुटेरे इसके अंदर घुस ही गए। करीब एक सदी पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए सबसे दिलचस्प काम होता था इजिप्ट आना और उसके मकबरों और अलग अलग जगहों से कमाल की चीजों को इकट्ठा करना। इजिप्टोमेनिया कहलाने वाला ये जुनून 20वीं सदी के शुरुआत में फैलना शुरू हुआ, और हार्वर्ड कार्टर द्वारा तूतनखामन के मकबरे की खोज के साथ 1922 में खत्म हुआ। इस दौरान यूरोप के एक्सप्लोरर्स पुराने मकबरों से बेहिसाब बेशकीमती कलाकृतियां अपने साथ ले गए। ये या तो म्यूजियम पहुंच गई या फिर प्राइवेट कलेक्टर्स को बेच दी गई। ये ममी आज के लुटेरों से बची रह गई। अब बासिम पक्का करना चाहते हैं कि ये भविष्य के लिए ठीक से कंजर्व हो जाए।
और इसके लिए इन्हें मम्मी को मकबरे से बाहर निकालना होगा। इधर मेडम में जॉन एक बेहद सुरक्षित बनाए गए मकबरे के नीचे एक सकरी और गहरी सुरंग में आगे बढ़ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि लुटेरों ने करीब 4,500 साल पहले इसे कैसे लूटा। इनकी पहली चुनौती थी पत्थरों से भरे विशाल मस्ताबा के बीच वाले हिस्से तक पहुंचना। बहुत तंग है, ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकते। मैं तो सोच भी नहीं सकता, यहाँ की धूल का किसी के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह की सुरंग खोदने के दौरान सैकड़ों टन मिट्टी पत्थर बाहर निकालना पड़ता है और सुरंग के गिरने का खतरा भी बना रहता है। ओके। इस काम को करने में कई महीनों की मेहनत लगी होगी और खतरा झेलना पड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि दीवारों पर छेनियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। बहुत बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके ये सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग के अंत में एक वर्टिकल शाफ्ट 6 मीटर की गहराई तक पहुंचता है। अरे बाप रे, ये सीढ़ी भला कैसे टिकी हुई है? यहां पर एकदम घुप अंधेरा है। वाह। इस शाफ्ट की तली में जॉन को कुछ हैरतअंगेज चीज नजर आती है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। वाह। जॉन इन लुटेरों की सुरंग के आखिर तक पहुंच गए हैं। रास्ता दफनगाह की एंट्री को रोकने वाली चट्टान तक पहुंचा हुआ है। लुटेरों ने यहां तक सुरंग बनाई और फिर शाफ्ट ड्रॉप हुई। यहां सामने भी एक छोटी सी सुरंग बनी हुई है जो चूना पत्थर वाले ढक्कन पर आकर खत्म हो गई। लुटेरों ने मस्ताबा के दक्षिणी हिस्से में खुदाई की और फिर उन्होंने चूना पत्थर में 18 मीटर की लंबाई तक एक सुरंग बनाई। फिर वो रुके और उन्होंने खोखले हिस्से में जमा मिट्टी में से एक शाफ्ट बनानी शुरू कर दी। लेकिन फिर दफनगाह की चूना पत्थर वाली दीवार उनके सामने आ गई। जरा सोचिए, जहां मैं इस तरह झुककर बैठा हूं वैसे ही बैठकर उन्होंने चूना पत्थर को काटा होगा। उन्हें पता होगा कि इसके आगे वो खजाने मौजूद हैं जिन्हें उन्हें पाना है और उससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से सवर जाएगी। वाह। लुटेरों को पूरा यकीन रहा होगा कि उनकी सुरंग इस दफनगाह के बाहरी हिस्से तक पहुंच जाएगी, यानी उन्हें इस मकबरे की बनावट के बारे में बहुत तफसील से मालूम रहा होगा। उन लोगों को जरूर किसी भेदिये ने ये बताया होगा कि कैसे अंदर तक पहुंचना है। जो कोई भी इन लुटेरों के साथ था उसे पता था कि इस सुरंग की दिशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सुरंग एकदम सीधे उस चैम्बर तक पहुंच रही है। देख रहे हैं आप? और अंदर इस बैरियल चैम्बर में चूना पत्थर बहुत खूबसूरती से तराशा गया क्या है। क्या बात है, यहां कर लग रहा है जैसे कोई बच्चा चॉकलेट शॉप में आ गया हो। लेकिन इस मकबरे में जॉन अकेले नहीं हैं। यहां दर्जनों चमगादड़ हैं और जॉन को काफी डर लग रहा है। अरे बाप रे, यहां तो हर कहीं चमगादड़ हैं। इधर लक्सौर के डीए अलबाहरी में एसएसएफ के कब्रिस्तान में हिसूस ने आखिरकार दर्जनों एक्सरे इमेजेस को एक साथ मिला दिया है ताकि फैटी को मिली मम्मी के डिटेल स्कैन्स को पूरा बनाया जा सके। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मम्मी ही इस मकबरे की मालिक थी। इससे अहम सुराग मिलेगा कि क्या इस मकबरे को खजाने के लिए लूटा गया या फिर दोबारा इस्तेमाल के लिए। हड्डियों को एनालाइज करके हिसूस जान पाएंगे कि ये कोई पुरुष था या फिर स्त्री और सामाजिक रुतबा कैसा था। वाह। ये मम्मी एकदम पूरी है और बहुत अच्छी हालत में है।
आप इसकी खोपड़ी और धड़ को देख सकते हैं, और ये एक मेल है। तो ये आदमी है? हाँ, हाँ? ये मेल है। हमें इसके कूल्हों की बनावट से ये साफ पता चल रहा है। हड्डियों से इस पुरुष ममी के सामाजिक रुतबे का भी सुराग मिल रहा है। इसके वर्टेब्रल कॉलम में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इसकी हड्डियों की हालत काफी अच्छी है। इससे लगता है कि अपनी जिंदगी में इसने कोई मेहनत वाला काम नहीं किया, तो ये शायद ऊंचे रुतबे वाला ही कोई कुलीन रहा होगा। इस मकबरे का मालिक कोई खास शख्स ही होगा जिसने इतना बड़ा मकबरा बनवाया। उसका रुतबा और उसका जो काम था वो जरूर अच्छे रहे होंगे। ये इस बात की निशानी है कि ये ममी ही इस शानदार मकबरे की मूल मालिक रही होगी। आमतौर पर ऊंचे रुतबे वाली ममीज की छाती पर बेशकीमती रत्नों वाले ताबीज बंधे होते हैं, और ये एक्सरे में नजर आने चाहिए। इसकी छाती पर क्या आपको कोई ताबीज दिखाई दी थी? बदकिस्मती से नहीं है इसके सीने पर कोई ताबीज। शायद हो भी, लेकिन हो सकता है कि चोर ले गए हों बाकी सामान के साथ। चुरा ली? हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। सबूतों से पता चलता है कि यहाँ कई क्राइम्स हुए हैं। लगता है कि ये ममी ही इस मकबरे की मूल मालिक थी, लेकिन किसी ने चेंबर के अंदर इसकी मूल जगह से इसे हटाया और चोर कीमती ज्वेलरी ले गए। मकबरे के बाकी हिस्से को पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है। फैती को इससे पता चलता है कि इस मकबरे को सिर्फ एक ही बार लूटा या दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि पिछले सैकड़ों सालों के दौरान इस पर कई बार रेड की गई। इसे कई बार दोबारा इस्तेमाल किया गया। इस शानदार मकबरे पर भी लोग आते रहे। सिर्फ लुटेरे ही खजाने के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि लोगों को भी दफनाए जाने के लिए यहाँ लाया जाता रहा। हम थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करें तो हम जान जाएंगे कि इस मकबरे का मालिक था या नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें काफी वक्त चाहिए होगा। लंबे वक्त से इस मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया है, तो टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने में फैती को लंबा वक्त लगेगा, लेकिन नए सुरागों और नई टेक्नोलॉजी की मदद से वो इस मकबरे से जुड़े राज के खुलासे के और करीब पहुंच रहे हैं। मेडम में जॉन ये खोजबीन कर रहे हैं कि एंशिएंट टूम रेडर्स ने कैसे इजिप्ट के सबसे बड़े मास्टाबाज में से एक में ये डकैती डाली। इस बैरियल चेंबर की छत में बहुत सारे चमगादड़ मौजूद हैं। मुझे चमगादड़ अच्छे नहीं लगते। ये उड़ते हुए बड़ी मकड़ी जैसे लगते हैं। 4500 साल पहले इस चेंबर में चमगादड़ों की बजाय गिल्डेड फर्नीचर और पॉटरी जैसी बेशकीमती चीजें मौजूद रही होंगी, लेकिन सबसे कीमती चीजों तक पहुंचने के लिए लुटेरों के सामने एक आखिरी चुनौती रही होगी, पत्थर का एक विशाल ताबूत जिसमें मम्मी का गोल्ड डेथ मास्क और मूल्यवान जूल्स रहे होंगे। इस लाल ग्रेनाइट पत्थर के ताबूत का वजन 8 टन से ज्यादा है। ये इजिप्ट के सबसे बड़े सरकोफेगस में से एक है, लेकिन फिर भी लुटेरे इसके अंदर पहुंच पाए। उन्होंने ये काम कैसे किया और वो इसका 4500 साल पुराना एक सबूत भी पीछे छोड़ गए। क्या बात है, कमाल है। लुटेरों ने इस लकड़ी के हथौड़े को इस्तेमाल किया और इसे यहीं छोड़ गए। ये देखिए, चोरों ने लकड़ी के लंबे लीवर्स के जरिए ढक्कन को उठाया और फिर लकड़ी के हथौड़ों से ताबूत को खोल डाला। ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि ये ढक्कन हथौड़े के ऊपर आज भी बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे लुटेरों ने इसे छोड़ा होगा। ये वाकई एक कमाल की डकैती थी, और हजारों साल से मौजूद ये सबूत दिखाता है कि लुटेरे कितने हिम्मती और काम के लिए तैयार थे। लेकिन इनकी कामयाबी की असली वजह थी इस मकबरे की बनावट के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी। इस खास जानकारी और मकबरे में मौजूद बेशकीमती चीजों के लालच के आगे मकबरा बनाने वालों की भला कहां चलने वाली थी। कल्पना ही की जा सकती है कि जब ये लुटेरे रेंगकर इस चैम्बर में पहुंचे होंगे तो यहां क्या क्या रहा होगा।
ऐसी कीमती चीजें जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। इधर प्राचीन फिलाडेल्फिया के कब्रिस्तान में बासिम को पता चला है कि लुटे हुए मकबरे में दफनाए गए मालिक की मम्मी 2000 साल तक सुरक्षित रही और फिर एक सदी पहले ही लुटेरों ने इसे लूट लिया। मैं इसका सर संभालता हूँ। अब बासिम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये मम्मी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। इसे एक साथ उठाना, ठीक है? इसे मकबरे से निकालकर म्यूजियम ले जाने के लिए इन्हें इस मम्मी को 10 मीटर गहरी बैरियल शाफ्ट से ऊपर लाना होगा। हम लोग थोड़े टेंशन में हैं। मुझे लगता है कि ये काफी नाजुक है, लिहाजा इस मम्मी को बचाने के लिए हमें ये काम बहुत ही ध्यान से करना होगा। इसे ध्यान से उठाओ, ये बॉक्स काफी भारी है। हाँ उठाओ। इस बॉक्स का वजन 99 किलो है और इनकी टीम को इसे हाथों से उठाकर मकबरे से बाहर निकालना होगा। ठीक है, अपने हाथ बचाकर, सब लोग अपने हाथ बचाओ। उठाओ। ठीक है, देख रहे हैं आप ये ऑपरेशन कितना मुश्किल है, आसान नहीं है ये। ठीक है। शाफ्ट की चौड़ाई सिर्फ 2 मीटर है, जिसे चट्टानों को तराशकर बनाया गया है। अगर बॉक्स दीवार से टकराया तो वो ढह सकती है। ध्यान से, एकदम सेफ नहीं है ये। ये लोग बॉक्स को उठा रहे हैं और इस दौरान शाफ्ट के अंदर रहना सेफ नहीं है, और आज के काम का ये हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है। सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो गया। आखिरकार मम्मी सुरक्षित बाहर पहुंच जाती है। बासिम को पता चला है कि ये मामूली और सीक्रेट मकबरा कुछ मायनों में ग्रेट पिरामिड के मुकाबले ज्यादा कामयाब रहा है। इसने अपनी मम्मीज को 2000 साल तक बचाए रखा और अब इसके कम से कम कुछ कीमती आर्टिफैक्ट्स को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सकेगा। मुझे लगता है कि हम अभी भी इस बरियल शाफ्ट से कुछ कमाल की चीजें हासिल कर सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि हम इन चीजों की हिफाजत करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सहेज कर रखें। इस तरह के पुराने मकबरों में दफन लोगों की हिफाजत करना आज भी एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन ये रेगिस्तानी मकबरा 2000 साल तक अनछुआ बना रहा, जो साबित करता है कि मकबरे बनाने वालों ने कैसे लुटेरों को मात देने के लिए अपने तरीके में बदलाव किया। सबसे शुरुआती मकबरे मास्टरबाज लुटेरों का शिकार बन जाते थे, तो इन्हें बनाने वालों ने अपने डिजाइन को बेहतर बनाया। इसके बाद चोरी रोकने में कामयाब पिरामिड बनने शुरू हुए, ताकि मकबरों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इनके ऊपर बड़े स्ट्रक्चर बनाने से ये आसानी से लुटेरों का निशाना बन जाते थे। तो आखिरकार मकबरे बनाने वालों ने पिरामिड्स और टेंपल्स को छोड़कर अपने मकबरों को पवित्र और छुपी हुई घाटियों की चट्टानों में गहराई में छुपाना शुरू कर दिया। हर सीजन में नई टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट्स सदियों से मकबरे बनाने वालों और लूटने वालों के बीच चली आ रही सदियों लंबी लड़ाई के बारे में जानते और समझते आ रहे हैं कि कैसे सबसे शुरुआती लुटेरे भेदियों की मदद से सबसे अमीर मकबरों में घुसे, कैसे खजानों से भरपूर मकबरों को लूटा गया और दोबारा इस्तेमाल किया गया, और ये सिलसिला सैकड़ों सालों तक चलता रहा, और कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के आखिर में कुछ मकबरे हजारों साल तक अपने मालिकों को बचाए रख पाए।